चलिए आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं बैंड स्टैंड, तो बैंड स्टैंड लेके चलते हैं और आप लोग को वहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान का भी घर दिखला देते हैं, बैंड स्टैंड भी दिखा देते हैं। यहाँ से करीबन 24 मिनट दिखा रहा है यार, 14 किलोमीटर की दूरी पर है, बैंड्रा पड़ता है वो, अंधेरी से बैंड्रा तो पास वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, अपने को तो सीधा चलने का है वैसे। और अभी हम हैं अंधेरी में और अंधेरी से निकल चुके हैं अपन, ये पकड़ते हैं हाईवे अपन और निकलते हैं। और यार गर्मी तो इतना ज़्यादा है ना यार मुंबई में, तो ये शूज़ पहनूं फिर शर्ट जीन्स मोटा मोटा, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी हो जा रहा है यार। अंडर ब्रिज है, पुलिस वाले फुल एकदम पकड़ रहे सब लोग को। चलो यहाँ से अपने को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा ऊपर पे, तो अपन उस पर चढ़ते हैं। अपन आ चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, अब अपने को इसी पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ऑटो इतना ज़्यादा चलता है ना कि आप लोग को ऑटो ही ऑटो में, हर कोई यहाँ ऑटो में और लोकल ट्रेन में और मेट्रो में ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना यार कि अपनी ओन गाड़ी में घूमना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मुंबई इतना अच्छा जगह है ना, हर कोई आता है मुंबई घूमने के लिए और हर कोई आता है यहाँ काम करने के लिए। शाइन वाला भाई साहब को क्या हो गया है, इतना क्यों स्पीड बढ़ा रहा है। फ्लाइट जा रहा है वो देखो, एक गया था उसको नहीं दिखा पाया, एक दिखा देता वो देखो जा रहा है। देखो यार पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो देखो, उधर साइड पे आगे आगे पे है और इधर पे आ गए हैं अपन फ्लाई ओवर पे। यहाँ पे रोड पूरा फ्लाई ओवर पे ही है, अच्छा है, आदमी कभी ट्रैफिक में फंसेगा ही नहीं, तब भी फंस जाता है, तब नहीं है कि नहीं फंसता, तब भी फंस ही जाता है। बिल्डिंग्स वगैरह इधर है, पूरी बिल्डिंग्स है, बैंड्रा वर्ली सीलिंग भी पड़ता है इधर। बैंड्रा वर्ली सीलिंग ना सही दिख रहा है, कार होता तो कार में ले जाता यार, कार है नहीं क्या कर सकते। क्या व्यू आता है यार, जबरदस्त व्यू आता है बैंड्रा वर्ली सीलिंग का, मस्त लगता है एकदम। मेरे को दिखाना था करके मैं आप लोगों को रॉन्ग रूट पे ले आया, अब मेरे को दूसरे रूट से जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा दूर से दिखाया यार, क्या करता काम नहीं है, नहीं तो आप लोग को लेके जा रहा था यार, कोई बात नहीं, चलो चलते लेके आप लोगों को बैंड स्टैंड। Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.
अपन आ चुके हैं बांद्रा। सेल वॉट कैफे, अच्छा बड़ा बड़ा कैफे है, होटल्स हैं यहाँ पे। आपको सलमान खान का घर दिखाता हूँ, ये देखो सलमान खान का घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये सलमान खान का घर है, बीजी रोड बांद्रा बॉम्बे। ऊपर से हाथी लाता है, हाय करता है वहाँ से ऊपर से, और ये उसका वो है गैलेक्सी बीजी रोड बांद्रा। और ये रहा बैंड स्टैंड, जस्ट बाजू में उसको भी दिखाता हूँ आपको, बैंड स्टैंड भी। आगे चल के दिखाते, पहले शाहरुख खान का भी घर दिखा देते हैं। यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है बैंड स्टैंड देखने का, शाहरुख खान के घर के सामने से आप लोगों को दिखाते हैं यार, पूरा अच्छे से व्यू आएगा। पूरा बैंड स्टैंड है, पूरा पानी पानी पूरा आ रहा है ना, देखो पूरा। ये तो यार कई जबरदस्त आता है यार, आप लोगों को दिखाऊं उधर साइड से। नीचे लेके चल के दिखाऊंगा आप लोग को। घूम के आना पड़ेगा अपने को। ये है शाहरुख खान का घर मन्नत, और यहाँ पे गाड़ी पार करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे से। गेटिंग करके रखा गया है, और इधर साइड आप लोग को नीचे भी लेके जाऊंगा। बहुत मस्त दिखता है भाई नीचे से। ये इसका घर है शाहरुख खान का, आपको पास ले जाकर दिखाता हूँ। दूर से देख लो, पास ले जाकर दिखाते हैं आपको। मन्नत लिखा हुआ देखो, एंट्री गेट है मन्नत लैंड एंड फ्रंट गेट है। तो फोटो खिंचाते हैं अपन, ऊपर आता है इतने दिन शाहरुख खान हाथ हाथ, मैं तो देखा हूँ ऐसे, मैं देखा हूँ उसको, मैं आया था एक बार तो मेरे को दिखा था हाथ हाथ हिलाते। तो चलो आगे आप लोग को बैंड स्टैंड दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बैंड स्टैंड, अंदर ले जाके पूरा पानी भरा हुआ है मस्त। कुछ ऐसा है वहाँ से, लोग वहाँ पे खड़े हो फोटो वोटो खिंचवा रहे, अपन भी चलते आप लोग को उधर लेके। यहाँ पे पानी वानी भी मिल जाएगा आप लोग को, स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है। अंदर से कुछ इस टाइप का है, आपको पास ले जाके दिखाते हैं पूरा अच्छे से पानी का। पानी का बहाव कितना ज़्यादा ही तेज है, और वो मन्नत से सीधा स्ट्रेट दिखता होगा, कितना अच्छा लगता होगा ना। यहाँ पर पूरा फिसलन है, पूरा पाइप पे जमा हुआ है, तो जाने का रिस्क तो मैं लूँगा नहीं। शाहरुख खान का घर एकदम क्लियर दिख रहा है। फ्रेंड्स मेरे पीछे पूरा बैंड स्टैंड है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा फिसलन है इसलिए थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ रहा है। देखो पूरा मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रहा होगा, शाहरुख खान का घर है। आप लोगों को वर्ली सीलिंग का जो ब्रिज दिखता है ना, उस
आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर में नहीं है, पास में ही है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए मस्त व्यू आता है बोलते हैं, एक तरफा व्यू आता है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। वहाँ पे फोटो वोटो भी खिंचवाने के लिए है प्लेस, मस्त गार्डन है आगे तो पूरा। चलते इधर से, पूरा बर्ली सीलिंग दिखता है। एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए, देखो इधर से वही पूरा ब्रिज दिखेगा, देखना जो दिखाते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर साइड से आप लोग पूरा वर्ली सीलिंग का ब्रिज दिखता है। पीछे पूरा वर्ली सीलिंग का ब्रिज दिखता है। चलो आप लोग ऊपर लेके चलते, ऊपर से भी व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे खाते हैं अपन कुछ, 20 रुपए का 10 रुपए का भी दे देते हैं, 20 का बनाना ना, और सिंगदाने का बनाते हैं और इसका भी बनाते हैं। कभी भी आओ तो ज़्यादा मिलेंगे आप लोग को, आप इसके पास से खा सकते हैं, कौन कौन पे सब यूज करते हैं। चलो आप लोग ऊपर लेके चलते हैं, खाते खाते दिखाते हैं आप लोगों को। इधर से भी पीछे वर्ली सीलिंग कितना अच्छा दिख रहा है ना, देखो पीछे पीछे। चलते बाहर चलते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए सफर में, एक नए ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा, बाजू में बेल आइकन और उसको प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।